I'm Digvijay Singh. I'm again in front of you. Today I will solve the questions of chapter triangle of class 9th. In a previous video, I have to briefly describe triangle congruency. काफी बड़ी वीडियो बनाया था मैंने, करीब हाफ एन आवर की वीडियो थी वो, मोर देन हाफ एन आवर. तो नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट फॉर दैट. आप उस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंसी से जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी. गारंटी देता हूं दूर हो जाएगा. ओके, द क्वेश्चन इज दिस. इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 100 डिग्री एंड एबी इज इक्वल टू एसी. तो इसके पहले थ्योरम है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यानी अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते, थ्योरम है. थ्योरम तो आपको साइड एंगल साइड मैंने बताया था, एक एक्सियम मान लिया गया है इसको एक्टिविटी के माध्यम से. नहीं तो एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड और साइड 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 आरएचएस, ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ कराऊंगा. खुद आप कोशिश करिए, कुछ है नहीं इसमें, मैं प्रूफ करा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तब तक और जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, पहले हम उस थ्योरम को प्रूफ कराते हैं. इस थ्योरम को वन और ये टू है मान लेते हैं. पहले हम फर्स्ट को प्रूफ कराते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं. ध्यान दीजिएगा, एंगल्स इक्वल्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी दो साइड इक्वल है इसमें गिवेन. ये थ्योरम भी है. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी. टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी प्रूफ करना है. ठीक है, इसमें थोड़ा कंस्ट्रक्शन करें. हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एक ही चीज, ड्रा ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए. हमने इसका बाइसेक्टर ड्रा कर लिया. हम एडी परपेंडिकुलर भी कर सकते थे, ड्रा एडी परपेंडिकुलर बीसी, तो उसको हम आरएचएस से प्रूफ करते, इससे प्रूफ करते. लेकिन चूंकि हमें साइड एंगल साइड दिखाना चाहते हैं, अब प्रूफ कर दे रहे हैं. देखो बेटा, मैंने बताया ना बाई सीटी सीटी बताया था इसके वीडियो में. इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी. रीजन गिवेन है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन. एंड ए डी इक्वल टू ए डी, ये क्या है, कॉमन साइड. दिस इज कॉमन साइड. क्या होगा, ध्यान दो बेटा, ए बी डी में भी ए डी है और ए सी डी में भी ए डी है, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है. क्या होगा, साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कांगुएंट ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड एंगल साइड रूट, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाय सी टी सी टी ई. Corresponding parts of congruent triangles are equal. This is the full part of CPC. ये proof हो गया. Hence proof. हो गया proof आपका question? अब ये theorem है. If any triangle, if two sides are equal, then their opposite angles are equal. इसी का converse आ जाएगा. If two angles are equal in a triangle, then their opposite sides are also equal. वो भी proof कर लेते हैं. अगर एक triangle है, ये देखिए, दो triangle same. मान लीजिए PQR है. Given. इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसका कन्वर्स थ्योरम है, इसी का कन्वर्स थ्योरम बता रहा है. इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, क्या है, एंगल क्यू इज इक्वल टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर. यानी ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है. कंस्ट्रक्शन कर ले, इसमें क्या करें, ड्रा या ऐसे कर पीएम बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी,
या इसको दूसरा कुछ ड्रा कर लीजिए, कोई जरूरी है क्या? हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं। परपेंडिकुलर ड्रा, पीएम परपेंडिकुलर क्यूआर, परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, प्रूव कर लेते। इन ट्राइंगल बी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी आर एम, पी क्यू एम एंड पी आर एम क्या हो जाएगा? एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर गिवन है, और एंगल पी एम क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एम आर इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ना, प्रत्येक 90 का हो जाएगा, दो एंगल इक्वल हो गए, और पी एम इक्वल टू पी एम कॉमन। तो हम इसको कह सकते हैं बाय एंगल एंगल साइड देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी आर एम बाय एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल, कोई दिक्कत नहीं है। बाइसेक्टर ड्रा करें तो भी, अब कैसे होगा अगर एंगल साइड एंगल की बात करते हैं, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इस ट्राइंगल का ये एंगल इसके, तीसरा अपने आप इक्वल होगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी आइसोसेलिस ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स एंगल का, वर्टेक्स एंगल क्या होता है, जहां से दोनों इक्वल साइड निकलती है वो वर्टेक्स एंगल कहलाता है। अगर उसका बाइसेक्टर ड्रा किया गया है तो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। अगर वहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तभी वो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा और इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले ये क्वेश्चन, ये दोनों सिंगल हो। अब हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें, देखिए अब इसी क्वेश्चन मुझे भी डालते हैं, हम उसको किसी पर लगा लेते, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए क्या कर ले इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन सेकंड वाला साफ कर रहा है, एबीसी देखिए, ए बी सी ट्राइंगल है, ये एंगल 100 डिग्री का है और ये साइड इसके इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू के, या अल्फा मान लीजिए, के ही मान लीजिए, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री का होगा, इन दोनों को हमने के मान लिया है, तो क्या हो जाएगा एंगल ए 100 डिग्री का प्लस के इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2k इज इक्वल टू 180 माइनस 100, 2k इज इक्वल टू 80 डिग्री, k इज इक्वल टू क्या हो गया 40 डिग्री, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इसी लगे तो किसी भी ट्राइंगल में बेटा अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगी, ये दोनों चीजों का प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नई चीज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।